ये खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। साथ समझी प्यार से कहना धन्यवाद। नमस्कार, धन निरंकार। न्यूज डिवाइन के अगस्त महीने के इस एपिसोड के साथ मैं हूं मुक्ता। दोस्तों, हम सब ने सुना है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। बाबा बूटा सिंह जी से प्रेरणा लेकर एक मसीहा ऐसे ही अकेले मानवता के कल्याण के पथ पर चल पड़ा था, मानवता के बुझते दिलों को उम्मीद की एक नई रोशनी देने, नफरत वैर से भरे मनों को प्रेम की महक प्रदान करने, रोतों को हंसाने के लिए, गिरतों को सहारा देने के लिए। वो मसीहा थे बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जो अपनी जीवन संगिनी माता बुधवंती जी के साथ जीवन भर मानवता के कल्याण के खातिर तन मन और धन से समर्पित हो गए। उनके लिए ही कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। भले ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के पास कोई दुनियावी साम्राज्य नहीं था, लेकिन वो दिलों पर राज करते थे। आज मिशन के विस्तार को देखते हुए हमारा शीश स्वतः ही मिशन के संस्थापक बाबा बूटा सिंह जी के साथ बाबा अवतार सिंह जी के प्रति भी श्रद्धा से झुक जाता है। अगस्त का ये महीना याद दिलाता है बाबा अवतार सिंह जी के साथ साथ अनेक ऐसे संतों को। तो आइए उन्हीं परोपकारी संतों को नतमस्तक होते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने के समाचारों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में आइए देखते हैं क्या है खास। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिव्य वाणी, सेल्वेशन टूर ऑफ हर होलीनेस, मिशन ओवरसीज, SNCF डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। चलते रहे दिन रात लेकर हौसला चट्टान का, कर गए प्रशस्त पथ मानव के कल्याण का। बाबा अवतार सिंह जी के साथ इस सत्य के पथ पर एक से दो, दो से चार जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके बाद निरंकारी जगत में बाबा गुरबचन सिंह जी, निरंकारी राजमाता जी और बाबा हरदेव सिंह जी जैसे मार्गदर्शक हुए, जिन्होंने न केवल मानवता की बलि बेदी पर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, बल्कि अपने ओजस्वी विचारों की रश्मियों से आध्यात्मिकता के मार्ग को सदैव के लिए रोशन कर दिया और अंधेरे में भटक रही मानवता को सही राह दिखा दी। भले ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज आज हमारे बीच साकार रूप में मौजूद न हो, लेकिन उनका मार्गदर्शन समय के प्रत्येक सदगुरु के प्रवचनों में हमें हमेशा मिलता रहा है। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए सबसे पहले सुनते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य वचन। भक्त जनों ने इसी मालिक खालिक परमात्मा ईश्वर निराकार को कदम कदम के ऊपर विशेषता दी है, जो विशेष है, जो महान है, जो महत्वपूर्ण है, इसी का एहसास करके इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं और इसी के कारण ये खुद फिर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब तक कि सत्य परमात्मा को महत्ता नहीं कोई जीवन में देता, उतनी देर वो महत्वपूर्ण बनता ही नहीं है। अगर भक्तों संतों महात्माओं की आज जय जयकार कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने अपने आप को नहीं, अपनी ताकतों को नहीं, अपनी विद्या को नहीं, अपने हुनर को नहीं, अपने इल्म को नहीं, इन्होंने महत्ता दी तो इस परमात्मा को दी। इसलिए कबीर भी महत्वपूर्ण हो गए, मीरा भी महत्वपूर्ण हो गई, इसीलिए बुल्ले शाह जी भी महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए तुकाराम जी की जय जयकार, इसीलिए तमाम संतों महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आस्था युगों युगों के लिए कायम हो गई, क्योंकि उन्होंने
इसी सत्य को विशेषता दी, इसी को महत्ता दी, इसी का ही सेवन किया, इसी का ही बखान किया, इसी का ही वणज किया, इसी का ही व्यापार किया, इसलिए उनका रुतबा इस मालिक के तुल्य हो गया। जैसे पहले भी कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप नंकार। दोस्तों, खबरों की कड़ियों को जोड़ते हुए आइए न्यूज डिवाइन के सफर में आगे बढ़ते हैं। चलते हैं उन कल्याणकारी राहों की ओर जिसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और माता बुधवंती जी ने बनाया। बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी ने जिन राहों को सवारा, फिर इन्हीं राहों पर मानवता के कल्याण का दृढ़ संकल्प लेकर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिन रात समर्पित रहे। और आज इन कल्याणकारी राहों पर बिना रुके बढ़ती जा रही हैं सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज। आइए देखते हैं जुलाई के महीने में हुई सदगुरु माता जी की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की 4 जून से चलने वाली मसूरी कल्याण यात्रा जुलाई के महीने में भी जारी रही। सदगुरु माता जी के पावन दर्शनों की ललक व सदगुरु बाबा जी की मधुर स्मृतियों को दिलों में संजोए देश व दूर देशों से आने वाले भक्तों का तांता जुलाई के महीने में भी लगा रहा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के परोपकारों को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु माता जी मसूरी में प्रत्येक दिन आए हुए भक्तों को अपना पावन सानिध्य प्रदान करते रहे। सुबह हो या शाम, भक्तों को माता जी के चरणों पर नमस्कार का अवसर मिलता रहा और सदगुरु माता जी घंटों बैठकर भक्तों को ममता और प्रेम भरा आशीर्वाद प्रदान करते रहे। उन अनमोल पलों को याद कर भक्तजन कभी उदास हो जाते तो कभी सदगुरु माता जी में बाबा जी की छवि निहार कर खुश हो जाते। मसूरी में प्रत्येक रविवार का दिन विशेष होता था क्योंकि इस दिन सदगुरु माता जी की छत्रछाया में सत्संग भवन के हॉल में विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। इस सत्संग कार्यक्रम में उत्तराखंड के दूर दराज के अनेक शहरों और प्रांतों से भरपूर संख्या में संगतों का आगमन होता था। अनेक भाषाओं में भक्ति भरे गीत, भावपूर्ण व्याख्यान और प्रेरणादायक कविताओं का प्रवाह देर तक चलता रहता। लंबी लंबी कतारों में भक्तजन सदगुरु माता जी के पावन चरणों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते। सत्संग कार्यक्रम के अंत में भक्तजन कभी स्क्रीन पर चलाए जाने वाले बाबा जी के अनमोल प्रवचनों का लाभ उठाते तो कभी सदगुरु माता जी के पावन आशीर्वचनों का आनंद प्राप्त करते। मसूरी का जर्रा जर्रा बाबा जी के परोपकारों से ओतप्रोत है। भक्तों के साथ साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासियों के दिलों में भी बाबा जी का पावन प्रेम बसा हुआ है। मसूरी कल्याण यात्रा का प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल बाबा जी की सुनहरी यादों और सदगुरु माता जी की रहमतों में बीतता रहा और फिर 13 जुलाई की शाम मसूरी सत्संग भवन पर उपस्थित सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए सदगुरु माता जी अपने काफिले सहित ये कल्याण यात्रा संपन्न कर वापस दिल्ली की ओर लौट चले। दिल्ली वापसी के बाद 16 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम में सदगुरु माता जी की पावन कृपा बरसी। इस कार्यक्रम में दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए। लगभग 1.5 महीने पश्चात अपने सदगुरु के दर्शन पाकर संगतों को हर्ष की अनुभूति हुई। गीत, व्याख्यान व कविताओं के रूप में भक्तों ने अपने भाव प्रकट किए। अंत में सदगुरु माता जी ने प्रवचनों के रूप में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किए। साथ संगत जी, आज तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मसूरी से वापस आके आप सब महापुरुषों के यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। मसूरी में बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि सारा साल हिंदुस्तान के हम टूर करते हैं और महापुरुषों के हर प्रांत में दर्शन होते हैं, पर जब मसूरी 1 महीने या 1.25 महीने के लिए आते हैं तो हर प्रांत के महापुरुष सारे हिंदुस्तान से यहाँ पे आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि सारा हिंदुस्तान ही इधर इकट्ठा हुआ हुआ है और सबके दर्शन हो रहे हैं। सात संगत जी, ये जो संतों का विस्तार हम देख रहे हैं, इसके पीछे शहंशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी की बहुत
सैक्रिफाइसेस हैं, अंथक प्रयास हैं। साथ संगत जी, अब हर बच्चे, बुजुर्ग और जवान का फ़र्ज़ बनता है, जो ये मिशन की सिखलाई है उस पर हम सब अमल कर पाएँ। कभी कोई ऐसी नेगेटिव बात हमारे दिल में ना आए, या हमारे कर्मों में ना आए, या बोलों में ना आए, जिसके साथ इस मिशन पे कोई आँच उठे, कोई उंगली उठा पाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। निरंकारी मिशन का पाक्षिक समाचार पत्र एक नजर, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं निरंकारी जगत की तमाम सूचनाएं व समाचार। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की देश व दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्योरा जानिए एक नजर में। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज की सुनहरी यादें ताजा कीजिए, प्रेरणादायक प्रसंग व दिव्य वचनों के अंश पढ़िए एक नजर में। देश व दूर देशों में होने वाले समागमों की पूर्व सूचना पाइए एक नजर में। कब, कहां और क्या गतिविधियां हुई जानिए एक नजर में। जी हां, एक नजर अब एक नए रूप में हिंदी, पंजाबी व मराठी भाषा में भी उपलब्ध। एक नजर रंग बिरंगे रंगों और मोहक चित्रों से सजा हुआ निरंकारी समाचार पत्र। निरंकारी साहित्य से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए लॉगिन कीजिए www.nirankari.org पर। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ और खास खबरों के साथ। यकीनन सद्गुरु माता जी के साथ साथ आप सभी ने मसूरी की यात्रा कर ली होगी। दोस्तों, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का सपना था कि सत्य के इस ज्ञान से कोई भी महरूम ना रहे, सारे ही संसार का भला हो। और जब 1967 में बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी ज्ञान की मशाल लेकर देश की सरहदों को पार करते हुए दूर देशों की ओर बढ़े, तो ये सपना सच होने लगा था। बाबा अवतार सिंह जी का मानवता का कल्याणकारी स्वप्न मूर्त रूप लेने लगा था। और आज बाबा अवतार सिंह जी का वही सपना पूरी दुनिया के कोने कोने में साकार होता चला जा रहा है। ज्ञान के दिए जलते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ता और फलता फूलता जा रहा है मिशन का ये बूटा। And now, it's time to take a look at the various activity of the mission in different part of the world. Let's look at the section, Mission Overseas. The National UK Seva Dal Camp of the Sant Nirankari Mission Chapter of United Kingdom was held at the West London Bhavan on Saturday, 22nd of July. The event was attended by Seva Dal volunteers from all across UK, including Scotland, Yorkshire, West Midlands, Leicester, East London, Bedford, Hitchin, Oxford, etc. The event focused on dedication, discipline and devotion in selfless service of the entire mankind. Sadhguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj, the spiritual head of SNM, was honored with the President's most prestigious and highest honor, Service to Humanity Award 2017 by the Life Chiropractic College West on 4th of August 2017. The award was presented in San Francisco, California, USA and handed over to the representatives of the mission. We shall bring a detailed report of this event in our next episode. A Lady Samagam of the East Branch was organized in New York, USA on 15th and 16th of July 2017. The Sant Nirankari Missions Branch of Australia was awarded the Victoria Day Award for 2017 in Melbourne, Australia on the 1st of July for undertaking outstanding community services in the locality. A blood donation camp was organized at the Blood Donation Center of Latifa Hospital, Dubai on the 21st of July by the UAE branch of the Sant Nirankari Mission. Maria Amor, the Crown Princess of the Royal Kingdom of Darussalam, visited the United Arab Emirates Center of the Sant Nirankari Mission and attended the congregation. Arab दूर देशों की यात्रा को यहीं संपन्न करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं।
शहंशाह जी के मिशन का उद्देश्य ही था मानवता का कल्याण करना। जैसे जैसे मिशन का रूप विस्तृत होता चला गया, सदगुरु के परोपकारों का दायरा भी बढ़ता चला गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की और मिशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को गति प्रदान की। आज भी सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की रहनुमाई में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हील, एनरिच एंड एम्पावरमेंट के तहत विश्व भर में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं SNCF द्वारा जुलाई के महीने में किए गए कार्यों का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वधान में होने वाले आध्यात्मिक व सामाजिक गतिविधियां इस माह भी निरंतर चलती रही, जहां सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से भक्तों में रक्तदान के प्रति जुलाई महीने में भी भरपूर उत्साह के साथ स्थान स्थान पर भक्तों द्वारा बड़ी मात्रा में रक्तदान किया गया, जिसमें मुख्य स्थान रहे पंजाब, शिमला, हापुर, श्री गंगानगर, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, जयपुर व पुणे के अलावा दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, जिधर मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए जनकपुरी में आयोजित रक्तदान शिविर में सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से SNCF की कार्यकारिणी अध्यक्ष बहन बिंदिया छाबरा जी पहुंचे और भक्तों को प्रोत्साहित किया। और इसी प्रकार अर्जुन नगर दिल्ली में भी एक विशाल स्तर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। अर्जुन नगर भवन पे आज सतगुरु की कृपा से, रहमत से, बख्शीश से आज ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की रहमत से आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर सभी महात्मा बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में योगदान दे रहे हैं। वहीं यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात करके एक करके एक सुंदर प्रदर्शनी का रूप दिया गया है, जिसमें कि विभिन्न पहलुओं को निरंकारी मिशन के दर्शाया गया है। निरंकारी संस्था आज भारत देश विदेश में सभी जगह पता है कि सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर है। और सेवा को यदि आप देखते हैं तो सेवा जो है मानवता के हृदय से जन्म लेती है। वह स्पंदन जो भीतर होते हैं वो संवेदनशील हृदय से ही आते हैं, और संवेदनशील हृदय तभी हो सकता है जब आपके अंदर अध्यात्म के संस्कार हो, और अध्यात्म के संस्कारों का ये केंद्र है निरंकारी संस्था। ब्लड डोनेशन कैंप बहुत कारगर है और निरंकारी संस्था तो कई रिकॉर्ड स्थापित कर चुकी है ब्लड डोनेशन कैंप में। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। यह जो दान है इसका कोई कहीं इसके साथ किसी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। आप दीजिए, आपके शरीर में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जो है पुराना रक्त जब निकलेगा तो नया रक्त बनेगा और ऊर्जा का संचार भी होगा, तो इसलिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। ये मानवता की सेवा के लिए है और गुरु का आदेश है कि जितना हो सके हम दूसरों के हित में काम आ सके। ये प्रेरणा हमें हमारे सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी से मिल रही है, और पहले हमारे बाबा हरदेव सिंह जी हमें ये सब सिखाते थे कि हम हमारे पास चाहे हमारे पास धन करके हम सेवा ना कर पाएं, इसलिए हमारा रक्त किसी के तो काम आएगा और ये रक्त हमारा नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। रक्तदान शिविरों के साथ साथ स्थान स्थान पर रक्तदान के प्रति जनमानस को प्रेरित करने हेतु मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स द्वारा भव्य रैलियां भी निकाली गई। साथ ही रक्तदान के सर्वोत्तम योगदान के लिए तेलंगाना के स्टेट गवर्नर श्री ESL नरसिम्हन जी द्वारा मिशन व SNCF को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से सम्मानित किया गया। 8 जुलाई को सहारनपुर में ब्यूटी ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत में सर्टिफिकेट वितरित किए गए। 20 जुलाई को तीज महोत्सव पर संत निरंकारी पब्लिक स्कूल लुधियाना में बच्चों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 23 जुलाई को बहारनपुर और 25 जुलाई को मंसूरी में वृक्षारोपण, सफाई अभियान व जागरूकता रैली निकालकर लोगों को स्वच्छ पर्यावरण रखने का संदेश दिया, जहां मिशन के सेवादारों व SNCF के वॉलंटियर्स ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में SNCF द्वारा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर 29 जुलाई को स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही स्टॉल लगाकर व नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा 29 जुलाई को निरंकारी सत्संग भवन चैम्बूर मुंबई में हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर की भर्ती के लिए एक इंटरव्यू कैंप आयोजित किया गया, जिसमें SNCF वॉलंटियर्स ने भोजन इत्यादि व सभी साधनों का ख्याल रखा।
30 जुलाई को डीसा अहमदाबाद में आए बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग प्रभावित हुए और सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों में उचित समय पर राहत सामग्री वितरित की गई, जहां मिशन के सेवादारों व एसएनसीएफ के सदस्यों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के गांव-गांव घर-घर जाकर अपने हाथों से जरूरतमंदों को खाद्य आदि सामग्री प्रदान कर संत निरंकारी मिशन के भाईचारे का संदेश दिया, जिसकी प्रशासन व ग्रामवासियों द्वारा भरपूर सराहना की गई। अपने स्वेच्छा से दान कर रहे, लोगों की मदद कर रहे, हर जगह गवर्नमेंट का सामान या लोग नहीं पहुंच पाते, वहाँ पे आप जैसे लोग पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वैसे ही सब छोटे छोटे मदद करोगे तो सबके तरफ सहायता वगैरह मदद पहुँची दी जाएगी। हाँ, हमारा गाँव में तमेरा का गुरु का सम्मान किया और माल भेज दिया तो हम उनके बहुत राजी आशीर्वाद देता हूँ। गुरु फाउंडेशन, सदगुरु माता जी के फाउंडेशन से हमें जो भी राहत मिली है वो रियली यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। यहाँ कम लोग पहुँच रहे थे, आपकी टीम जो पहुँची है वो प्रशंसनीय है, आपका काम हमें बहुत अच्छा लगा है। और जो लोग आपका जो किट मिला है, जो लोग ज़रूरतमंद है, हम उनको ही देंगे, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी आपने देखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जुलाई के महीने में किए गए सामाजिक कार्यों का ये ब्यौरा। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सदगुरु सभी के लिए होता है, उसका ज्ञान, उसका प्यार और उसका परोपकार सारे ही संसार के लिए होता है। तभी तो शहंशाह जी जिससे भी मिले वो उनके विनम्र और प्रेमपूर्ण स्वभाव का कायल हो गया। समाज आपकी सच्चाई और ईमानदारी की कस्में खाता था। आपका वही स्वभाव बाबा गुरबचन सिंह जी में और फिर कई गुना बढ़कर बाबा हरदेव सिंह जी में नज़र आने लगा था। देश दुनिया के किसी भी क्षेत्र का कोई भी नागरिक हो, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बातें करता नहीं थकता है। हर किसी की यादों में उनका पावन प्रेम महकता है। आइए मुलाकात करते हैं ऐसे ही सज्जनों से अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है एक खास मुलाकात। न्यूज़ डिवाइन के दर्शकों के लिए आज हम एक ऐसी सौगात लेकर के आए हैं जो इतिहास के पन्नों में भी महत्व रखती थी और आज भी। दोस्तों, हम मसूरी के कैमल्स बैक रोड के ऊपर हैं और स्थान है हवा महल। ये वही स्थान है जहां शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी आकर के सैर करते हुए विश्राम किया करते थे और भक्ति के संदेश सुनाया करते थे अपने भक्तों को। उसी स्थान पर आज भी अनेक हमारे वृद्ध मित्र, सीनियर सिटीजन्स रोज़ सुबह बैठ करके भक्ति चर्चा करते हैं, अपने मन की बातें करते हैं। आज उनसे हम जानते हैं कि वो संत निरंकारी मिशन और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं से, आज सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की शिक्षाओं से क्या सीखे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। तो चलते हैं हवा महल के भीतर। हमारे साथ बहन सुनीता मोंगा जी हैं। सुनीता जी, आप बताएं कैसे मिशन की शिक्षा से आप प्रभावित हुए, बाबा जी के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए? ऐसे है, हम तो 1994 से बिल्कुल उनके साथ, हमारा घर पास में है बिल्कुल, तो हम तो हमेशा आते जाते बाबा जी के दर्शन करते। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि बाबा जी से मैं कई बार मिला हूँ और कई फंक्शंस के ऊपर मैं गया हूँ। हमारे सीनियर सिटीजन कूलर साहब भी, बड़े खुराना साहब भी, ये भी सभी सारे साथी थे। तो जो मेरे को सेवा भाव उनसे मिला, कहीं नहीं मिला। सो हमने भी प्रण किया कि हमें भी अगर सेवा का मौका मिले तो हम भी ये सेवा अवश्य करें। जो मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात देखी वो है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं सफाई, सफाई की भावना। तो सफाई की भावना जो मैंने गुरुजी के शिष्यों में या गुरुजी के मैसेज में या उनकी सोच में देखी, दैट वाज अनपैरेलल। आज भी छोटी छोटी सुंदर सुंदर लड़कियां, स्कूल की बच्चे सड़कों को साफ करती हुई नज़र आती हैं। इसका क्या मतलब है? दे आर नॉट क्लीनिंग इट फॉर देमसेल्व्स, दे आर क्लीनिंग फॉर सोसाइटी। वो जीने का एक माध्यम, एक तरीका सिखा रही हैं कि सफाई से जियो। मिस्टर जैन ने अभी बताया कि सफाई के बारे में प्रधानमंत्री जी ने तो अब नारा दिया है, लेकिन हम निरंकारियों को देख रहे हैं कि ये शुरू से ही इनकी में भावना है।
उनको देखकर ऐसे लगता है कि वो उनसे प्रभावित है या वो उनसे प्रभावित है, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो दोस्तों आपने देखा कैसे इन हमारे मित्रों के साथ ये संदेश, दे आर कैरिंग फॉरवर्ड दिस मैसेज नॉट ओनली इन देयर लाइव्स बट आल्सो एज अ मैसेज टू अदर पीपल इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मसूरी। यकीनन दोस्तों, एक प्रेम से भरा हुआ हृदय ही संपूर्ण संसार को अपना बना सकता है। वो प्रेम की धारा बाबा बूटा सिंह जी से बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी और फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से होती हुई आज सद्गुरु माता जी में बह रही है और करती जा रही है मानवता का भला। अनेक आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी मानवता का भला करते रहे और आज भी कर रहे हैं सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के रूप में। आज भी ये कल्याणकारी गतिविधियां जारी हैं। तो अब समय है इन्हीं गतिविधियों से रूबरू होने का अन्य समाचारों के रूप में। मसूरी कल्याण यात्रा के दौरान सद्गुरु माता जी 5 जुलाई को आल मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों से मिलने पहुंचे। यहां पर मसूरी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की ओर से एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया था। सद्गुरु माता जी ने यहां पहुंचकर उपस्थित सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान किया। माता जी ने पूरा आशीर्वाद दिया है और हम लोगों को हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे इतने छोटे से प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आकर के हमें आशीर्वाद दिया। मसूरी कल्याण यात्रा सम्पन्न होने के उपरांत दिल्ली पहुँचने पर सद्गुरु माता जी ने दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में भक्तों को नमस्कार का अवसर प्रदान किया, जिसमें दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों से भक्तों ने पहुंचकर लाभ उठाया। मिशन की ओर से देश व दूर देशों के कोने कोने में प्रत्येक माह आयोजित होने वाले बाल समागमों की लड़ी जुलाई के महीने में भी चलती रही। इसी के अंतर्गत 2 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में बाल समागम आयोजित किया गया। जोनल लेवल पर आयोजित इस समागम में उत्तराखंड के अनेक शहरों से बाल संगत के बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। सत्संग कार्यक्रम में बच्चों ने भक्ति भरे गीतों, आध्यात्मिक व्याख्यानों, प्रेरक कविताओं के अलावा अनेक रोचक प्रस्तुति के माध्यम से सत्य का संदेश दिया। सद्गुरु माता जी का कहना, प्यार प्रेम से मिलकर रहना, समदृष्टि और भाईचारा, ये सब है संतों का कहना। इस अवसर पर अनेक गणमान्य सज्जन भी उपस्थित हुए और स्वयं को मिशन की विचारधाराओं से लाभान्वित किया। बचपन से सुनती आ रही थी कि जो निरंकारी मिशन है वो बहुत अच्छा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे में भाईचारा होता है। लेकिन आज मैंने साक्षात देखा कि ना कि सिर्फ भाईचारा बल्कि शिक्षा भी दिखाई आप लोगों ने, आपने नशाबंदी भी दिखाई और इसके पीछे मैंने ये सुना कि गुरुदेव ने इसके लिए बहुत काम करा है, तब जाके आप लोग इस मुकाम पे पहुंचे कि उनको सब याद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूज्य बहन सुदीक्षा जी ने बाल संगत के बच्चों का मार्गदर्शन किया। आज इधर देहरादून में बाल समागम आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ दासी को भी सीखने को मिला। सबसे बड़ा तो लिविंग एग्जांपल्स ये बच्चे जो लगभग 10 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक इतनी पेशेंटली सबके भाव भी देख रहे हैं और जो भी शिक्षाएं भी ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ जो उनकी फैमिली मेम्बर्स भी बड़े भी आए हैं, दासी उनको भी एक बहुत कंग्रेचुलेट करेगी कि उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों को सत्संग के साथ जोड़ा है और जिस तरह की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं कि सद्गुरु का दिखाया हुआ रास्ता, ये सारे बच्चे उसी मार्ग पर चलते हुए आ रहे हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के दिव्य जीवन की दिव्य गाथा मानवता के कल्याण की गाथा है, जो अमिट है, असीम है और हमेशा चलती रहेगी। 15 अगस्त को होने वाले मुक्ति पर्व समागम का ब्यौरा लेकर हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप इंतज़ार कीजिए और देखना ना भूलिए न्यूज़ डिवाइन का अगला एपिसोड। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन निरंकार।